प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना अंतर्गत श्रीमती अफसरी फातिमा पत्नी नसीम बाबू निवासी सोसाइटी के बगल घूरपुर थाना प्रयागराज की रहने वाली हैं। दिनांक 25 नवंबर 2020 को 4:30 बजे शाम को उनका लड़का मिराज अहमद उम्र 7 वर्ष अपने घर के बाहर खेल रहा था। विपरीत दिशा से आ रही टाटा मैजिक 4 पहिया वाहन, जिसका नंबर UP 70CT 9482 है, चालक का नाम राजकुमार केसरवानी है और उनके बड़े भाई का नाम श्याम बाबू केसरवानी सब्जी मंडी के बगल में किराने की दुकान चलाते हैं। चालक लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से चलाते हुए जोरदार टक्कर मारकर गाड़ी मौके से भगा ले गया। काफी प्रयास करने के बाद सारी जानकारी प्राप्त हुई। जब अफसरी फातिमा ने गाड़ी मालिक से कहा कि हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, तो श्याम बाबू केसरवानी ने थाने जाने से मना कर दिया और आश्वासन दिया कि हम जो भी पैसा लगेगा उस बच्चे की दवा कराएंगे, लेकिन अभी तक उस बच्चे की दवा का पैसा नहीं दिया गया। प्रार्थी अफसरी फातिमा ने घूरपुर थाने में जाकर उस गाड़ी के नाम से FIR दर्ज कराई है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक टाटा मैजिक को पुलिस प्रशासन थाने पर नहीं ले गई, ना तो कोई अग्रिम कार्यवाही कर रही है। उस पीड़ित परिवार का कहना है कि राजकुमार केसरवानी के खिलाफ और उनकी गाड़ी को दोनों लोगों को जब तक पुलिस अपने थाने पर बंद नहीं करती, तब तक अफसरी फातिमा पुलिस पर भरोसा नहीं कर रही है। वो न्यूज के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अवगत करा रही हैं कि मैजिक को थाने पर ले जाया जाए और उसकी चालानी करवाई जाए, ताकि अन्य अधिकारियों से भी आग्रह है कि उस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। तुम्हारे ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश किया? मेरे ऊपर भी कोशिश किया था। एक बाइक जब हम यहाँ से दौड़े घर से निकलते हैं तो मेरे तरफ गाड़ी मोड़ ले गया, उसके बाद हम खुद पीछे हट गए। इसके मतलब कि तुम्हारे ऊपर भी चढ़ाने की शंका थी? वो मेरे ऊपर भी चढ़ा देता, क्योंकि वो अभी भी कह रहा मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता जी। तो वो बोलता है ददुआ कौन है, वो मेरा रिश्तेदार है। ददुआ तुम्हार गया है? अब जो भी हो, अरे कुछ भी नाम बताए उनसे हम नहीं जानते। वो बोल रहे हैं कि मतलब बहुत करोगी दौड़ोगी दौड़ो दौड़ो हम 10-20 हज़ार दे के छूट जाएंगे। अब जो है गाड़ी घर के अंदर से बाहर नहीं निकाला उसकी। आज तक गाड़ी अंदर ही खड़ी घर के अंदर, गाड़ी पीछे तरफ भूतपुर मंडी के पास खड़ी हुई है। अब जो है उन लोग कुछ कर नहीं रहे, हम अकेले औरत जात हम कहाँ कहाँ दौड़े, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। आपको दिक्कत क्या है, आप क्यों परेशान हैं? हम इसलिए परेशान हैं, हमारा बच्चा एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया है। हम थाने जाते हैं तो कोई हमारा सुनवाई नहीं कर रहा। कौन सा थाना लगता है? घूरपुर थाना। अच्छा, घूरपुर थाने में कहाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था आपके बच्चे का? मैजिक से हाथ डाला है। मैजिक से? तो मैजिक के नाम पर शिकायत कर दी है आप? मैजिक के नाम पर शिकायत कर दी है। थाने में जाते हैं, एप्लीकेशन लिखाने, कोई कुछ बोलता नहीं है। क्या कहते हैं? बोलते हैं कि जाओ हम 4 बजे बुलाएंगे तुम। फिर उसके बाद हम गए थे कि एक कॉपी करके हमको दे दो, तो बोले तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, यहीं दौड़ दौड़ाओगे तुम। ये कौन बोला? ये थाने में दरोगा साहब ने बोला था। दरोगा जी ने बोले कि और कोई काम नहीं है, तुम बार बार यहीं दौड़ दौड़ तुम यहाँ आ रहे हो, और मेरे बच्चे का पैर टूटा है, हम कहाँ से उसको दवा दुआ कराएं, हम आप किराए पर रहने वाले हैं। ये कहाँ पर रहती हैं आप? किराए हम किराए पर सोसाइटी के बगल में रहते हैं किराए पर। अच्छा, घूरपुर सोसाइटी? घूरपुर सोसाइटी। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? मनखवार पुरवा मनखवार। अच्छा अच्छा, आप कितने मतलब आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। हमारे आदमी का एक्सीडेंट हो गया था परसों, साल भर से वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, घर पे सिलते हैं, लोगों को मांग मांग के लाते हैं, कतरी सिल सिल के ले जाते हैं, उसमें हम उसी के देते हैं, तो 50-60 रुपये वो हमको दे देते हैं कतरी, उसी से हम अपना घर चलाते हैं, किराया भाड़ा घर के देते हैं। लड़के कितने हैं? कितने बच्चे हैं? हमारे 5 हैं, 3 लड़की 2 लड़के। अच्छा, थाने में पैसे की डिमांड तो नहीं की गई? मालूम नहीं, थाने में कोई पैसे वैसे की बात हमसे नहीं हुई है, और जो उन लोग आपस में बोले हों। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपका मैटर हल कर दूंगा? उन्होंने कहा है जाओ हम तुम्हें कल बुलाते हैं 4 बजे, उसके बाद आज तक हो गया हमसे वो नहीं करे। कितने दिन हो गया? 25 तारीख से आज हफ्ता भर से हम चक्कर लगा रहे हैं, कोई हमको सुनवाई नहीं कर। 25 तारीख को कितने बजे आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था? 25 तारीख को 4:30 बजे हम कथरी दे के आए, तो हमारा बच्चा रोड पे पड़ा हुआ था, उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है, इलाज। अच्छा, तो जब आप थाने पे FIR लिखवाई तो SO साहब ने मैजिक वाले को बुलाया?
मालूम नहीं, उसको फोन नहीं किया, तो सामने फोन नहीं किया, मुझे खुद भी डांटा कि अच्छा आप उसके घर गई थी। हम उसके घर गए कि दवा कराओगे कि हम आगे बढ़े, वो बोला हमसे उम्मीद मत रख। क्या नाम है उसका? उसका नाम उद्दू कहते हैं, राजकुमार नाम है। अच्छा कौन से ब्यादर हैं? वो केसरवानी। केसरवानी है, मतलब वो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो दवा कराने के लिए तैयार नहीं है। दवा कराने को वो बोल रहे हैं कि 100 रुपये हम जमा कर दे रहे हैं वहाँ, क्या तुम दवा कराओ? 100 रुपये में दवा हो पाएगी? 100 रुपये में वही हम बोले क्या बुखार हुई है, 100 रुपये में हम दवा कराएं? तो आप एसओ साहब के पास शिकायत पहुँचाई है। आज हम फिर 1 तारीख के फिर हम गए थे वहाँ, वहाँ बोले तुम जाओ और जो है हम बुलाते हैं उसको, जो बात कहेगा तो वो करेंगे। एसओ साहब ने आज जब गई आप उनसे मिली तो कहा कि घर जाओ कि बैठो, कुछ बोला? एसओ साहब ने हमसे जब उनको हम कागज़ दिए हाथ में, उसको बोले कि कंप्यूटर पे चढ़ा दो और तुम जाओ, हम तुम्हें कल 4 बजे बुलाते हैं। अच्छा आपका बच्चा इस समय कहाँ पे है? हमारा बच्चा इस वक्त घर पे।